अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने चीनी सामानों के बहिष्कार करने की अपील की। सुल्तानपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिला प्रभारी अनूप श्रीवास्तव की अगुवाई में उनके कार्यालय पर मंगलवार देर शाम प्रदेश संगठन महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि व्यापारियों से निवेदन किया जाए कि व्यापारी भाई चाइना सामानों की अब खरीदारी बंद करें और अपने देश में बने सामान को प्राथमिकता के आधार पर खरीदें और ग्राहक को बेचें। प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा कि जनपद भ्रमण के दौरान देखने को मिला कि एक दो व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों का नाम चाइनीज नामों के नाम से, जैसे चाइना हॉट या चाइना बाजार आदि रखे हैं। वह अपने प्रतिष्ठानों का नाम बदलकर भारतीय नाम रखने का कष्ट करें। प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा कि इस संबंध में प्रत्येक बाजारों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाते हुए स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में जिला महामंत्री अलीमुद्दीन, तहसील अध्यक्ष हिमांशु मालवीय, तहसील प्रभारी राजेंद्र कसौधन व रवि कसौधन आदि रहे। ये होकर राजेंद्र भाई के साथ हम लोग खड़े रहे, ये हमारी कमेटी का विधायक होगा। मैं केवल एक मिनट की बात रखूंगा। नए कोडिये थोड़ा काट था, वो अपनी छोटी सी फौज लेकर बड़ी बड़ी फौजों को हरा देना था। एक व्यक्ति आया और पूछना था कि बताइए आपकी छोटी सी सेना कैसे हरा देती है, नेपोलियन की सेना कैसे हरा देती है। एक नेपोलियन से पूछा, उसने कहा ठीक है, कल इसका जवाब आपको मिल जाएगा, आप नदी के किनारे आइएगा, वहीं पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो नदी के किनारे वो व्यक्ति जब पहुंचा तो देखा कि नेपोलियन का एक सिपाही पानी उड़ेल रहा है, लेकिन सिपाही रस्सी से काट रहा, बांट रहा। तो उसने कहा कि अरे उसको क्या करना,